हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज की इस वीडियो में आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो पर भी लाइक कर दीजिए। देखिए गाइज, मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो ही बना रहा था, तब मुझे सेटिंग के अंदर एक ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से गाइज मुझे यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम अपने गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ पर गाइज कुछ भी सर्च करने की कोशिश करते हैं, देखिए गाइज मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करने की कोशिश करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती हैं, दिस साइट कैन नॉट बी रीच। तो गाइज यहाँ से मैं आपको ऊपर दिखा दूँ, जो मेरा इंटरनेट है वो यहाँ से वाईफाई मेरा कनेक्टेड है और ये ऑन है। तो गाइज हमारे वाईफाई में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यूट्यूब है, उसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए गाइज यहाँ पर आपको कोई भी इंटरफेस देखने को नहीं मिलेगा जो आपको यूट्यूब पर मिलता है। तो गाइज यहाँ भी सेम प्रॉब्लम हमें फेस होती है। देखिए दोबारा से क्रोम पर चल लेते हैं और यहाँ से आपको बता देते हैं आपको ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है और उसका सोल्यूशन क्या है। देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से नीचे ये ऑप्शन आ जाता है, अपडेट डेट एंड टाइम। आप यहाँ से भी डेट एंड टाइम को अपडेट कर सकते हैं। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है गाइज, बहुत से लोग सोचते हैं ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है। आपको यहाँ से डेट एंड टाइम में आ जाते हैं सेटिंग के अंदर। एक दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता दूं, आपको सेटिंग के अंदर चले जाना है। सेटिंग को ओपन कर लेने के बाद गाइज ये ऑप्शन आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। देखिए यहाँ पर एडिशनल सेटिंग पर टैप कर लेते हैं। यहाँ पर टैप कर लेने के बाद आपको ऊपर ही डेट एंड टाइम का ऑप्शन मिल जाता है, सेम वैसा इंटरफेस आ जाता है जैसा आपने उस ऑप्शन पर क्लिक करके देखा था। तो गाइज यहाँ से आपको ऊपर वाला ये ऑप्शन है, इसको ऑन कर देना है। तो गाइज यहाँ से ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम सेट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। देखिए मैं दोबारा से क्रोम के अंदर जाकर आपको दिखा दे। देखिए गाइज क्रोम के अंदर अब हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं, देखिए यहाँ से google.com ही कर लेते हैं। तो गाइज देखिए ये हमारा गूगल क्रोम ओपन हो जाता है। उसके बाद गाइज देखिए मैं आपको यूट्यूब पर भी जाकर दिखा देता हूँ। आप ऊपर देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी हमारे सामने आ गया है। ये देखिए यूट्यूब पर चले जाते हैं तो आपके सामने जो यूट्यूब का इंटरफेस होता है वो यहाँ पर खुल जाएगा। देखिए आपको कुछ सेकंड इंतजार करना है, देखिए आपके सामने ये इंटरफेस आ गया है। तो गाइज आज की इस छोटी सी वीडियो में मेरे को आपको इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।